भी साफ होती है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं होती। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सबका दोस्त ईश नारंग एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित है एक नई कहानी लेकर। कहानी शुरू करने से पहले आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जब आज स्वतंत्रता दिवस है तो क्यों ना कुछ ऐसी कहानी पर बात की जाए, कोई ऐसी कहानी देखी जाए, कोई ऐसी कहानी सुनी जाए जिसमें देशभक्ति की बात। बस ऐसी ये कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। ये कहानी है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर की। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में एक बहुत बड़े होटल के अंदर, शायद 7 स्टार या उससे भी ज्यादा, बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा होटल, और उसके बैंक्वेट हॉल में एक सहभोज का कार्यक्रम चल रहा है। उस सहभोज के कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति भी उपलब्ध। अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पर उपलब्ध है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति वहां पर उस सहभोज में है, और उस सहभोज में और बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग कौन, ये 2017 की बात है, 2017 की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता यानी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के एक दिन पहले की बात है। एक दिन पहले जब भी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है या कोई भी गेम्स होता है, उससे एक दिन यानी पूर्व संध्या पर एक बहुत बड़ी पार्टी दी जाती है, और उस पार्टी में उस देश के राष्ट्रपति जरूर या राष्ट्राध्यक्ष उसमें उपलब्ध रहते हैं। ऐसी पार्टी चल रही थी, सब लोग अपने हंसी मजाक और खाना खाने में व्यस्त थे। तभी राष्ट्रपति की नजर एक ऐसी लड़की पर गई, एक ऐसी महिला पर गई जो कि बड़े ही पुराने, बड़े ही साधारण बर्तनों में चावल खा रही थी। ये देखकर राष्ट्रपति को बड़ी हैरानी हुई कि जहां पर सभी लोग, सभी यहाँ पर उपस्थित जो समूह है, उपस्थित जो खिलाड़ी हैं, वो सब के सब खाना खा रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया शाही भोजन कर रहे हैं बहुत बढ़िया बर्तनों में, और एक ये लड़की ऐसा भोजन कर रही है। तो उसने अपने साथ में जो उपलब्ध असिस्टेंट था उनसे पूछा, ऐसा क्यों है, इस लड़की को खाना इसके इतने साधारण बर्तनों में क्यों दिया जा रहा है, और ये खाना अलग से चावल खा रही है सिर्फ, और कोई भी खाना नहीं खा सकता। क्या हमारा देश इतना गरीब हो गया है कि हम एक लड़की को खाना नहीं दे सकते अच्छे बर्तनों? तो उसके असिस्टेंट ने उनको बताया, नहीं, मैं अभी आपको पता करके बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारा देश गरीब हो गया। और वो जब पता करके आता है तो उसको ये बताया जाता है कि ये लड़की जिस भी देश में जाती है वहां पर अपने बर्तन साथ लेकर जाती है और अपने देश के चावल भी साथ लेकर जाती है। ये खुद अपने कमरे में चावल पकाती है और खाती है, ये कभी वहां के देश का, वहां का खाना नहीं खाती। ये सुनकर राष्ट्रपति बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने जाकर उस लड़की से बात करने आना, और उस लड़की से उन्होंने यही पूछा, ऐसा क्या है जो आप यहाँ पर खाना नहीं खा रही, सब लोग इतना बढ़िया खाना खा रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया बर्तनों में, आप स्वयं अपने बर्तन साथ लेकर आई हैं और सिर्फ चावल खा रहे हैं? तो उस लड़की का जवाब था, उस लड़की का जवाब ये था कि महामहिम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस भूमि से आई हूँ जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहां पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी अपने देश से बाहर जाती हूँ वहां पर अपना भोजन, अपने देश के भोजन, अपने देश के चावल साथ में लेके जाती हूँ। ये सुनकर राष्ट्रपति को थोड़ी सी हंसी आई और वो उसको बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, और मैं उस गांव में, उस देश में, उस धरती पर जरूर विजिट करना चाहूंगा जहां पर तुम्हारा जन्म हुआ। उस लड़की का उत्तर था, उसके लिए आपको मेरे गांव चलने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने गांव के दर्शन यहीं पर करवा सकता हूँ। सुनकर वो बड़े हैरान हुए, ऐसे कैसे? तो उसने अपने हैंड बैग में से एक पोटली निकाली और उस पोटली को खोलकर दिखाया कि ये मेरे देश की माटी है, ये मेरे गांव की माटी है,
इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राम मोहम्मद सिंह आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के रक्त मिक्स है। इसके अंदर इन सब के दुआएं शामिल हैं, इन सब का आशीर्वाद शामिल है। और ना चाहते हुए भी यकायक अमेरिकन राष्ट्रपति का भी प्रणाम के लिए सिर झुक गया। और उन्होंने अगला प्रश्न ये किया कि आपने ऐसी कौन से महाविद्यालय से, कौन से विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है जहां पर देशभक्ति का इतना बढ़िया पाठ पढ़ाया जाता है। तो उस लड़की का जवाब ये था कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसी शिक्षा, ये देशभक्ति की शिक्षा किसी विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती। वहां पर तो मैकाले की शिक्षा पद्धति होती है, ये पढ़ाया जाता है गुरु के द्वारा। और मेरे गुरु ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया है, और मैं उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सुनाती थी। मैंने ये देशभक्ति उस किताब से सीखी। ये सुनकर वो कहते हैं कि मैं भी उस किताब को देखना चाहूंगा। तो अपने हैंडबैग से उन्होंने उसी समय मीरा भाई ने, उस लड़की ने वो किताब निकाल कर उनके हाथ में दी जो कि सत्यार्थ प्रकाश थी। और उन्होंने ये कहा कि आप इस किताब को रख सकते हैं, मैं अपने गुरु जी से एक और ले, हवन करने वाले जो मेरे गुरु जी हैं मैं उनसे एक और ले। और वो किताब हाथ में आते ही उन्होंने अपने असिस्टेंट को दी और कहा इस पर रिसर्च करवाओ कि इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जो एक साधारण महिला, एक युवती इतना देशभक्त हो गई है। और इसके बाद वो महिला अपने चावल समाप्त कर चुकी थी, और वो अपने चावल समाप्त करके बर्तन उसने जब वहां रखे और वो जाने वहां से चली गई। लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक अचंभित करने वाला दृश्य उपस्थित हुआ। उस बर्तन में कहीं एक या दो चावल के दाने चिपके हुए थे, और वो चावल के दाने, यानी वो बर्तन जो उस महिला का जूठा बर्तन था, जिस उस महिला ने जिस बर्तन में चावल खाए थे उसमें जो दो दाने बचे हुए थे, वो दाने उठाकर उस राष्ट्रपति ने अपने मुंह में डाल दिए। और वो महिला थी 2018 की पद्मश्री प्राप्त मीराबाई चानू। जी, मैं मीराबाई चानू की बात कर रहा हूँ, जो कि भारोत्तोलन प्रतियोगिता के अंदर प्रथम आ चुकी है, कई बार बहुत सारे गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए जीत चुकी है। और ये सब घटना होने के बाद राष्ट्रपति ने एक बात और कही मीराबाई से। उन्होंने कहा कि आपके देश के बारे में मैंने सुना है कि आपके एक भगवान है हनुमान जी, जिन्होंने पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया था, आज अगर आपके मुकाबले में वो स्वयं भी आ जाएं तो वो भी आपको नहीं हरा सकते। और हम जानते हैं कल की प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल सिर्फ आपको मिलने वाला है। और ये बात अमेरिकन राष्ट्रपति ने कही थी, और वहां पर उपस्थित बीबीसी के जो संपादक थे उन्होंने ये बात नोट कर ली। और बीबीसी ने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ब्रेकिंग न्यूज, लीडिंग न्यूज बना ली थी कि आज का गोल्ड मेडल, इस बार का वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल मीराबाई चानू जीत चुकी है। और इतनी बड़ी बात होने के बाद, और अगले दिन वही हुआ, वो चैंपियनशिप, वो गोल्ड मेडल मीराबाई चानू के पास पहुंचा। और ये देखकर पूरे विश्व में कोई भी हैरान नहीं था, केवल भारत के लोगों के अलावा, भारत के समाज के अलावा, भारतीय मीडिया के अलावा। और ये खबर जो बीबीसी ने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले तैयार कर ली थी, उस खबर को भारतीय मीडिया ने आज तक नहीं किया। और ऐसी महिलाएं, ऐसे खिलाड़ी हमारे देश में हुए हैं, हमारे देशभक्त खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ऑफर केवल अपने देशभक्ति में ठुकरा दी हैं। ऐसी एक कहानी मेजर ध्यानचंद की है, उस कहानी पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन जब इतनी देशभक्ति हमारे देश के लोगों में है, हमें उन सब की, उन सब लोगों की, उन सब खिलाड़ियों की, उन सब लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके पास बहुत ही प्रतिभा है पर संसाधनों की कमी से वो वहां तक नहीं पहुंच पाते।
तो आज की इस स्वतंत्रता दिवस की सुबह में आज की कहानी यहीं तक, और यही कहानी थी आज की देशभक्ति की, स्वतंत्रता की और एक खिलाड़ी की, एक खिलाड़ी जो मीराबाई चानू, जिसको अभी सब लोग जानने लगे हैं जब उन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, YouTube पर, मेरे चैनल पर आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, उसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सब लोगों का धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज का शो यहीं समाप्त करूंगा। तो कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो दिल के करीब हो, कहानी वो जो एक संदेश दे। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।